हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम इन एडवांस एक्सेल कोर्स। गाइस, आज के सेशन में हम डेट वैल्यू का फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। और फार्मूला जो है ये करता क्या है, बेसिकली ये एक फार्मूला का जो फंक्शन है वो ये है कि ये एक टेक्स्ट के पीस को जो है वो कन्वर्ट कर देता है नंबर्स में। अब हम वो नंबर्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली हमें उन पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये फार्मूला जो है ये एज कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो जब हम किसी पीस को टेक्स या किसी टेक्स के पीस को किसी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इजीली उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये एक टेक्स्ट है, आप ये कह लें कि आप टेक्स्ट यूज़ ही क्यों कर रहे हैं जब आपको उसे कन्वर्ट ही करना है। अब बहुत से ये देखें, अब मैं अगर आपको एक मेथड दिखाऊँ डेट का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट। ये देखें, अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ जैन, मैं अगर इंटर करता हूँ तो ये देखें डेट वही की वही उसी तरह अपने फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर इसमें मैं सिंगल कोट लगाऊं तो सिंगल कोट जो है ये बेसिकली हम टेक्स किसी नंबर को टेक्स में तब्दील करने के लिए हम सिंगल कोट लगाते हैं। तो सिंगल कोट जब हम लगाते हैं तो वो टेक्स बन जाता है। तो फिर अब अगर हम इसमें जैन लिखेंगे तो ये जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के आप टेक्स बनाते हैं, डिफरेंट टेक्स आप बना सकते हैं। अक्सर दफ़ा जब हम टेक्स्ट बनाते हैं तो उन पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम उन टेक्स्ट को पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब सपोज़ कीजिए मैं अगर इसको किसी नंबर से किसी रियल डेट से माइनस करूं तो क्या आंसर आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैं अभी ये टेक्स्ट है और ये रियल डेट है, मैं इनको अभी माइनस कर रहा हूँ आपस में। ये देखिए ज़ीरो आया। अगर मैं यह दोबारा करूं, पहले मैं इसको कर लेता हूं क्योंकि मैंने डेट सेम लिखी है। अगर अब हम मैं डेट लिखूं, मैंने ये डेट सेलेक्ट की और माइनस प्रेस किया और ये डेट सेलेक्ट की और ये इंटर दबाया, तो ये देखिए एरर आ जाता है। तो एरर को तो आप वैसे भी ठीक कर सकते हैं ये जनरल में जाकर। तो बेसिकली मेरे बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी डेट को उसके नंबर्स में देखूँ कि डेट जो है वो नंबर्स में किस तरह जो है वो नज़र आएगा, तो किसी डेट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो डेट वैल्यू का फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। मैं ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करूँ तो ये देखें, ये डेट के बिल्कुल नीचे वाला फार्मूला है, आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं और सिर्फ डेट लिखेंगे तो भी आराइज हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ डेट टेक्स, तो यहाँ पर मैं ये जो टेक्स हुआ हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट सिंगल कोट के थ्रू जो टेक्स हुआ हुआ है तो इसे हम सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पर इंटर दबाता हूँ। तो ये देखिए इसने हमें उस डेट को जो है वो नंबर में कन्वर्ट करके हमें दिखा दिया। अब अगर इसको मैं ड्रैग करूं तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे ये वैल्यू आ गई, मींस ये एरर है। अब एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल कोड लगा के आप उसे टेक्स्ट नहीं बना सकते, आपको उसमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेट वैल्यू का फार्मूला जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को ही नंबर में कन्वर्ट करता है। किसी नंबर को सिंगल कोड से अगर आप टेक्स्ट बनाएंगे तो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्स्ट यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो जब हम किसी टेक्स्ट को सिंगल कोट के थ्रू टेक्स्ट बनाते हैं या किसी नंबर को हम सिंगल कोट के थ्रू टेक्स्ट बनाते हैं, तो अक्सर बार ये होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम से या किसी कंप्यूटर या किसी मेन फ्रेम से जब आप अपना डेटा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो जो डेट्स उस जिस फॉर्मेट में होती हैं वो उन डेट्स को जो है वो नंबर से कन्वर्ट करके आपको एज अ टेक्स्ट दिखाता है, तो फिर वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो पाती उसके ऊपर। तो वो कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए हम उन डेट्स को जो है वो नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस पर कैलकुलेशन करते हैं। अब सपोज़ कीजिए मैं अगर यहाँ पर दो डेट लिखूं, ये मैंने यहाँ पर ये दो डेट लिखी हुई है, अब मैं डेट का फार्मूला जो है वो अप्लाई करता हूँ। इसमें एक डेट जो है वो टेक्स्ट है और एक जो है वो नॉर्मल डेट है। सिर्फ डेट और टेक्स का जो ही रेफरेंस देना है आपने, माइनस यहाँ पर मैंने एक और डेट जो है सेलेक्ट कर ली। अब अगर इसको हम नंबर में कन्वर्ट करें तो देखें जो डिफरेंस आ रहा है वो जो है वो इतना आ रहा है। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मैं अगर इस डेट वैल्यू का एक यूज़ आपको बताऊँ तो ये देखें, सपोज़ कीजिए अगर आपने किसी कोई प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी जो है आपने लीज पे दी हुई है या आपने किराए पर कोई मकान दिया हुआ है, तो अगर आपको ये चेक करना हो नंबर्स में कि जिस डेट को मैंने
ये मकान या ये जो प्रॉपर्टी है, जो दी है लीज पे या किराए पे, तो मुझे चेक करना है कि उस डेट से लेकर एक्सपायरी डेट तक जो है वो कितने दिन बनते हैं इन नंबर्स। तो आपको अगर नंबर्स में चेक करना हो, कोई एक्सपायरी डेट या कोई एंड डेट या कोई प्रोजेक्ट एंड डेट देखना हो, तो कोई नंबर में आप चेक करेंगे तो किस तरह करेंगे। सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पर मैं डेट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करूँ, इसको मैंने एडिट किया और ये मैंने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया एज अ रेफरेंस, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी। और अब मैं लिखता हूँ टुडे का फार्मूला। अब टुडे का फार्मूला जो है वो क्या करेगा, वो जो है हमें बता देगा कि एक्सपायरी डेट से लेकर आज तक जो है वो कितने दिन जो है वो हो चुके या फिर कितने दिन जो है या बाकी हैं। तो आप जिस जिस मेथड से आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी डेट को किसी नंबर में, ताकि उस पर फर्दर कैलकुलेशन जो है वो हो सके। डे के फार्म टुडे के फार्मूले क्या करता है कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है आज की डेट और आज की टाइमिंग जो है वो बता देता है। और इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम जो है ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कोई रेफरेंस जो है वो नहीं देना। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेट का जो फॉर्मेट है बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं इसको जनरल करूँ तो ये नंबर बता देगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बड़ी डेट पहले सेलेक्ट की है और छोटी बाद में। अगर हम बड़ी को पहले सेलेक्ट करते हैं तो ये माइनस का जो है निशान जो है वो नहीं आता। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँ तो ये देखें यहाँ पर ये वैल्यू का निशान आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर कोई टैक्स यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो टैक्स पर अप्लाई करने के लिए फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है डेट वैल्यू को। जब हम किसी टैक्स पर कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं या फिर किसी कोई ऐसे टैक्स जो डेट में यूज़ हुआ हो, उस पर जब हम कोई फार्मूला या कोई कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम डेट वैल्यू का फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है और ये हमारे एच कैलकुलेशन के बेसिक फार्मूला बेसिक जो है वो सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो इस तरह जब हम लास्ट सेशन बनाएंगे तो उसमें हम पूरी एच कैलकुलेशन जो है वो लाइव करके दिखाएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपके जो कितने साल हो चुके हैं, कितने जो है वो मंथ्स हो चुके हैं और कितने ईयर्स हो चुके हैं और कितने डेज हो चुके हैं। इवन आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके कितने घंटे हो चुके हैं आपके लाइफ के, कितने मिनट्स हो चुके हैं, कितने सेकंड हो चुके हैं। तो आप बहुत सी कैलकुलेशन जो है एज कैलकुलेशन आप में आपको उसमें पता चलेंगे। तो आप उसके लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जैसे ही वो सेशन जो है वो आएगा तो आपको सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।